नमस्कार, मैं दीपाली श्रीवास्तव प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के साथ आई आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। गोहरगंज वेयर हाउस पर किसानों को नहीं मिल रहा है समय पर खाद, अधिकारी हैं बेखबर। जी हां, जहां एक तरफ दुनिया कोरोना की मार से परेशान है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने खाद के दाम बढ़ाकर किसानों को और परेशानी में डाल दिया है। किसान हर तरफ से मार झेल रहा है। जैसे तैसे किसानों ने गेहूं तलाई केंद्र के चक्कर लगाकर कई दिन धूप में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करके सोसाइटी में गेहूं तुलवाया है और अब दूसरी तरफ खाद लेने के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। किसानों द्वारा बताया गया है कि बड़े बड़े किसानों को तो आसानी से खाद दिया जा रहा है, वहीं छोटे किसानों को खाद लेने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। अधिकारी चुपचाप बैठे कर तमाशा देख रहे हैं। आखिरकार अंदर कौन सा गोरख धंधा चल रहा है, यह जानने का विषय। किसानों के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? गोहरगंज वेयर हाउस पर अधिक मात्रा में लोग खाद लेने के लिए आ रहे हैं, जिससे भीड़ इकट्ठा हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं